गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बाजार के कुमार। तो आज दिन है 2 सितंबर और टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे। तो उसी वक्त मैंने वीडियो बना शुरू किया हूँ। तो स्टॉक मैंने स्विंग ट्रेड के लिए सिलेक्ट किया है, जिसका नाम है इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक को मैंने पहले भी स्विंग ट्रेड के लिए प्रोवाइड किया था, जब स्टॉक ऑलमोस्ट 63 या 64 प्राइस पे लाई कर रहा था और वहाँ से 75 या 76 तक एक अच्छा मूव देखने को मिला था, जो बहुत सारे इन्वेस्टर को फ़ायदा हुआ था। तो इसी तरह आप लोग को भी फ़ायदा हो, फिर से भी ये स्टॉक उसी मोमेंट पे आके रुका है। तो स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते हैं, स्टॉक आप लोग कल के दिन की बात है, देखिए 68 का हाई था और वहीं से स्टॉक देखिए क्लोजिंग दिया है 66.5 के आस, लो देखिए 65 के आसपास लो था, क्लोजिंग देखिए 60.65 के आसपास। तो स्टॉक में बहुत ही अच्छा मोमेंट बन चुका है स्टॉक के लिए। तो स्टॉक के लिए देखिए आप स्टॉक 52 हाई देखिए 123, ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पर आपको स्टॉक मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक की बात करिए तो स्टॉक देख सकते हैं आप लोग, ये स्टॉक 63 से ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, 63 to 75 का मूवमेंट देखने को मिलता है स्टॉक में, जो कि स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कीजिए और पैसा कमाइए। जी हाँ दोस्तों, इसी रणनीति है बाय ऑन डीप सेल ऑन हाई, उसी स्ट्रेटेजी के लिए बात करूँगा मैं आज। देखिए आप ये देखिए, यहाँ से 65 से 72.88 औसत था, बल्कि कुछ दिन पहले ही आप देख सकते हैं 75 का हाई था। जी हाँ दोस्तों, तो फिर से वो मोमेंट बनने वाला है, तो फिर से भी आप लोग का सपोर्ट की लेवल कहाँ होगी, बाइंग की लेवल कहाँ होगी, उसके बारे में बात करूँगा। तो अगले दिन की बात कीजिए, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला था, ऑलमोस्ट 36 लाख के आसपास वॉल्यूम था, तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है ये मान सकते हैं आप लोग। और डिलीवरेबल क्वांटिटी देखिए आप लोग 52% डिलीवरेबल क्वांटिटी, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी मानी जाती है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक के 50% के ऊपर डिलीवरेबल क्वांटिटी मिलती है तो मान लीजिए स्टॉक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है, वही स्टॉक में कोई खराबी नहीं है। तो स्विंग ट्रेड के लिए लेवल भी जानना हो जरूरी होता है, कहाँ पर लेवल बाई करना होगा और कहाँ पर सेल करना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो देखिए आप लोग वॉल्यूम की बात कीजिए, वॉल्यूम ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने, जहाँ BSE में 1.5 लाख के आसपास वॉल्यूम था, वहीं पे देखिए 36 लाख के आसपास वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और चार्ट की बात कीजिए, बेसिक चार्ट आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट स्टॉक देखिए 75 था 63 का, 66 के आसपास ऑलमोस्ट 10 से 15 पॉइंट का गैप में स्टॉक स्टे करता है, तो उसी का मोमेंट आपको फ़ायदा उठाना होता है। और बात करते हैं टेक्निकली, देख सकते हैं आप लोग टेक्निकल चार्ट क्या कर रहा है, देखिए टेक्निकल चार्ट जो दिख रहा है मेरे को अभी तक, देख सकते हैं आप लोग स्टॉक ऑलमोस्ट 70 पे था, ठीक है दोस्तों, कुछ दिन पहले ही, एक दो दिन पहले बात देखिए 28 आवर्स का देखिए आप लोग, वहीं से स्टॉक में करेक्शन देना आया, फिर से स्टॉक में फिर ऊपर जम लगा, फिर से करेक्शन आया। तो अब इसी करेक्शन का आप लोग को फ़ायदा उठाना है दोस्तों, ठीक है, इसी का आप लोग को फ़ायदा उठाना है। अब यहीं से स्टॉक राउंड मारेगा ऊपर की तरफ, वही लेवल को आपको देखना है। अगर टेक्निकल रेटिंग, बाकी टेक्निकल रेटिंग अभी बेयरिश सिग्नल दे रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, और सामारी देखिए जो बेयरिश सिग्नल दे रहा है, और टेक्निकल इंडिकेटर से देखिए आरएसआई से ऑल्सो बेयरिश है, मोमेंटम है, MACD ऑल्सो बेयरिश है, सारी इंडिकेटर बेयरिश सिग्नल है, मनी फ्लो इंडेक्स ऑल्सो न्यूट्रल है, तो मोमेंटम आ सकता है कभी भी, आप लोग को टाइम एंड वेट करना है। अब देखिए पिवट लेवल जो निकल कर आ रहा है, देखिए आप लोग 66 का इसका पिवट लेवल बन चुका है, ऊपर की तरफ 67 देन 69 देन 70, मैं तो ये कहूँगा 75 जगह स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, को भी कब तक आएगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। और सपोर्ट देखिए, सपोर्ट 64, 63, 61 ये लेवल आपको ध्यान रखना होगा आज के दिन, शायद आपको यहाँ पे लेवल मिल भी तो आप ज़रूर बाई कीजिएगा, ठीक है, मोमेंटम मिलता है तो फ़ायदा उठाइए दोस्तों, आप लोग इस पर आग बना कर रखिए, कभी भी स्टॉक को बाउंस में देखने मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेवल है अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। और मार्केट कैपिटल देख सकते हैं आप लोग, 5 करोड़ के आसपास, 5000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटल है, और बुक वैल्यू डिविडेंड देखिए 100.3% का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो स्टॉक ओवरऑल गुड है, कोई खराबी नहीं है स्टॉक में। और स्टॉक की होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं आप लोग, टोटल DII है 7.5, नहीं जो FI के पास कोई स्टॉक नहीं है, प्लस के पास 51.5 है, म्यूचुअल फंड 2.1, अदर DII ऑलमोस्ट ओवरऑल गुड है, कोई खराबी नहीं है स्टॉक में। और कंपनी देखिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड टेक्निकल सर्विस और पेट्रोलियम रिफाइनस और अदर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। अब बात करें टेक्निकल चार्ट, ये इंजीनियर के ऊपर चार्ट बना हुआ मैंने, देख सकते हैं आप लोग स्टॉक
75 पे था, वहाँ से करेक्शन आया, फिर से एक पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इससे उम्मीद बना सकते हैं स्टॉक फिर से यहाँ पर जमा छलांग लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, और वो भी बहुत तेज वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, आप लोग को अच्छे मोमेंटम का फ़ायदा उठाना होगा। तो यही मोमेंटम अभी गैप जो खाली है गैप फिल करेगा, यहाँ से उम्मीद लगा सकता हूँ मैं आप लोग के लिए। तो नज़र बनाए रखिए स्टॉक पे, वो भी कुछ दिन के अंदर बहुत अच्छे से तेज देखने को मिलेगा आपको स्टॉक पे। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।